दोस्तों देखिए ये है एक LG का 14 इंच का टीवी, CRT टीवी। देखिए ये रहा, और इसमें एक प्रॉब्लम है जो आपको बताना चाहते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है इसमें, ABL की प्रॉब्लम होती है, जो पिक्चर नहीं आती है, रिटर्स लाइन आ जाती है। मान लो टीवी चल रहा है, मेन्यू का डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, लेकिन आगे कुछ नहीं आ रहा, तो मान लो समझ लो इसमें ABL का प्रॉब्लम है। पहले हमने प्रॉब्लम को निकाल रखा है, आपको एक बार पहले प्रॉब्लम जो है वो दिखा देते हैं क्या है इसमें। तो टीवी को एक बार हम ऑन कर लेते हैं, तो हमने टीवी को पावर दे दिया, अभी ये इसको ऑन करके आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए ऑन हो चुका है, और अभी हम इसको AV कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हमने AV कर लिया, लेकिन इसमें पिक्चर नहीं आ रहा। ये देखिए जब हम ESD को अप डाउन करते हैं, ये देखिए हल्का फुल्का पिक्चर से बन जाता है, और जो मीनू है और जो खुद का डिस्प्ले है देखिए वो बिल्कुल सही है। ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन में वीडियो जो है कंप कपा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डिस्प्ले बिल्कुल सही आ रही है, मेन्यू डिस्प्ले बिल्कुल ओके, और साउंड भी ओके, लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा। ये है प्रॉब्लम ABL का, ये कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक हमको टीवी में देखने को मिलता है। इसका परमानेंट हम आज इसको कैसे सोल्व कर सकते, प्रॉब्लम को परमानेंट सोल्यूशन आपको बताएंगे। दो तरह सोल्यूशन है इसका, देखिए हल्का फुल्का हम कम ज़्यादा करते हैं तो इसमें पिक्चर कभी कभार दिखाई भी देता है। यदि इसमें पिक्चर दिखाई दे हल्का फुल्का, बीच में हम ESD को ज़्यादा कम या ज़्यादा करते हैं, देखिए बीच में हल्की पिक्चर दिखाई दे या ना दे, समझ लो ये ABL का प्रॉब्लम है। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पिन है BCL लिख रखा है जिस पर, ये देखिए BCL, यहाँ पर क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, ये पिन है BCL, ये है ABL का पिन। तो दो तरह का प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, सिंपल सा प्रॉब्लम, हम टीवी एक बार बंद कर लेते हैं, प्रॉब्लम हमने देख लिया। ये देखिए R446, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, देखिए ABL का जो कनेक्शन है ESD के साथ, यहाँ से होकर ये पिन यहाँ पर आ गई, और इसी से कनेक्ट होके इस डायोड के थ्रू यहाँ पर हमारा ABL का सिग्नल जो जा रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर, और बीच में है एक ग्राउंड, और यहाँ पर है आउटपुट जो IC पर BCL पिन पर जाता है, जिसको ABL पिन भी हम बोलते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ये, इसका रेजिस्टेंस ये उड़ता है, आप इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दो, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 4.8K का रेजिस्टेंस होता है, आप इसकी जगह पे जैसे हमने लगाया, ये देखो 4.7K का रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है ABL का बिल्कुल सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। ये एक आम प्रॉब्लम है, काफ़ी LG के जो TV हैं उसमें देखने को हमको मिलता है। कई बार फॉल्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कई बार क्या होता है हल्की पिक्चर हम ESD को कम या ज़्यादा करते हैं, हल्की पिक्चर हमको टीवी में देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है पिक्चर बिल्कुल नहीं आती, जो मेन्यू डिस्प्ले है, जो टीवी का खुद का डिस्प्ले है वो दिखाई देता है, लेकिन आगे पिक्चर में कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ साउंड ओके चलती रहती है। तो पहले हम इसको जो हमारा प्रॉब्लम है आपको एक बार इस प्रॉब्लम को निकाल के चला के दिखा देते हैं आपको। ये आप 4.7K का रिसर्च लगा के आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर हल ही हो जाती है। पहले हम अपनी प्रॉब्लम को हल करके टीवी को चला के दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसको लगाने से भी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, तो आगे का स्टेप क्या है, वो क्या करना पड़ेगा, वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। हमने जो रेजिस्टेंस आपको बताया था, ये देखिए 446 नंबर लिख रखा है यहाँ पर, सीधा यहाँ पर ABL लिखा मिल गया ST के ऊपर, वही प्रिंट पे आपको यहाँ देख लेना है। हर सर्किट में, हर LG की टीवी में यहीं पर मिलेगा वो 6.8 का रेजिस्टेंस निकाल के आप 4.7K का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। हमने ये लगा दिया, अभी आपको टीवी चला के एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने टीवी को पावर दे दिया, अभी ये इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए
जो पिक्चर हिल रही है ये हमारे कैमरे में है, हम इसको फोकस करने का कोशिश करते हैं। ये फिल्टर इसमें पिक्चर चल रही है, ये कैमरे की प्रॉब्लम है ना कि कोई टी में प्रॉब्लम है। अभी हम दिखा देते हैं आपको मेन्यू दबा के, ये देखिए मेन्यू दिख रहा है इसमें, और इसको ये भी कर लेते हैं एक बार। ये देखिए आपके सामने है, हमारा जो प्रॉब्लम था एबीएल का वो ख़त्म हो चुका है और हमारा टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। मान लो आपके टीवी में, ये देखिए हमने डिस्टेंस बिल्कुल अच्छे से लगा दिया, देखिए ये 4.7 के कंडीशन लगा के हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है। लेकिन मान लो आपके केस में ऐसा हो कि ये लगाने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, इसके 2-3 कारण हैं। आप पहले इसका मेमोरी चेंज कर लीजिए, मेमोरी चेंज करके दूसरा डाल दीजिए कोई भी 16/24/16। यदि आपका इसके साथ ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता तो एक लास्ट स्टेप है, वो क्या होता है कई बार ESD स्पार्किंग से, ESD स्पार्किंग करके इस ABL के प्रिंट से यहाँ पर जो ESD का जो पावर है वो स्पार्किंग कनेक्टर वो चला जाता है और इसका पिन ABL का उड़ जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो इसका एक तरीका है, वो अभी हम इस आपको बताने वाले हैं। पहले इसको जैसे प्रॉब्लम था उसी को प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं और उसको कहते दिखा देते हैं बिना 4.7 के रिसर्च लगाए इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले हम प्रॉब्लम को उसी तरह करते हैं, रिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं और प्रॉब्लम को बिना रिस्टेंस लगाए क्लियर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम टीवी को ऑन कर रहे हैं, देखिए हमने जो रिस्टेंस लगाया था उसको ओपन कर लिया, देखिए आपके सामने हमने रिस्टेंस को ओपन कर लिया। उसके बाद प्रॉब्लम आपके सामने है, डिस्प्ले आ रहा है, देखिए पिक्चर नहीं आ रहा। अभी हम इसको ये भी कर लेते हैं, एक बार हो चुका है ये भी लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा। तो अभी हम इसका क्या हल करेंगे, जो हमने दिखाया था आपको ये पिन, ये देखिए BCL का जो पिन है, ये देखिए BCL, हम इसको ओपन कर देंगे तो भी हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। अभी हम इसको ओपन करके आपको विदाउट रिस्टेंस लगाए हमारा ABL अपने आप ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा, जो इसकी शॉर्टिंग है ABL की वो ख़त्म हो जाएगी। अभी हम आपको इसको ओपन करके प्रॉब्लम का हल दिखाते हैं। देखिए ये रहा BCL, BCL का पिन मतलब ABL का जो पिन, जो कनेक्टिविटी होती है ESD से ABL, ये देखिए ये पिन को हमने बिल्कुल ओपन कर लिया, देखिए ये ओपन है। और अभी हम आपको टीवी को चला के दिखाते हैं, ये पिन ओपन है, यहाँ से रेजिस्टेंस भी ओपन है, देखिए आपके सामने है। सिर्फ इस पिन को ओपन करने से ही हमारा काम बन जाता है, आपके सामने है प्रॉब्लम का सोल्यूशन। बाय चांस आपका सर्किट ब्लास्ट है, बाय चांस आपका ऐसी मेन ऐसी काम नहीं कर रहा है, तो आप इस पिन को कनेक्ट आपने रेजिस्टेंस लगा के देख लिया प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ, तो आप क्या कीजिए इस BCL पिन को आप ओपन ही कर दीजिए, आपका टीवी फिर भी बिल्कुल एकदम ओके हो जाएगा। ये सर आपके सामने रिजल्ट, हम इसको ये भी करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो ये पिक्चर हिल रहा है ये हमारे मोबाइल कैमरे की स्क्रीन में है, इसमें टीवी में कोई भी पिक्चर हिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा जो प्रॉब्लम था ABL का वो निकल चुका आपके सामने है। ये देखिए इस तरह से भी हम जुगाड़ कह लो या कोई हमारा तरीका कह लो, इसके साथ भी हम ABL का प्रॉब्लम निकाल सकते हैं विदाउट कोई कनेक्ट की। ये देखिए यहाँ पर ओपन है रेजिस्टेंस और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और ये टीवी हमारा देखिए बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए इस तरह से भी आपका IC ख़राब हो जाए, ये पिन शॉर्ट हो जाए या कुछ सर्किट में प्रॉब्लम हो जाए, आप इस पिन को ओपन कर दीजिए फिर भी हमारा टीवी ओके हो जाता है। कई बार क्या होता है ये देखिए, एक है एक तरीका और है आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक 1K लिखा हुआ होता है, देखिए ये देखिए इस पिन पर, ये बेस का पिन है और ये कनेक्ट होता है, ये देखिए यहाँ से BCL के साथ के वाली पिन है, जो यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट होता है, 5 से 8 वोल्ट। पहले आपको दिखा देते हैं, देखिए ये देखिए ये 8 वोल्ट से 9 वोल्ट के आसपास आउटपुट कर रहा है। आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यदि आपका फॉल्ट है मान लो IC उड़ी गया है तो आप इस पिन को भी ओपन कर सकते हैं, 1K है जो, इसको जैसे हमने यहाँ पर पिन ओपन किया, यदि इससे भी कुछ पिक्चर सही नहीं बन रहा, देखिए ऐसे पिक्चर में कुछ लेटर से लाइन आ रही है या पिक्चर नहीं आ रहा, तो इसके साथ वाली पिन है जो बेस में गई हुई है, देखिए उस पिन को भी आप ओपन कर लीजिए। बेस में 1K लिखा होता है, देखिए यहाँ पर ये देखिए 1K लिखा है यहाँ पर,
इस 1K की पिन को आप IC की तरफ से ओपन कर दीजिए, इसके साथ वाली पिन को मतलब BCL की पिन, JBL की पिन है, इसके साथ वाली पिन को आप ओपन कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम ABL का बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा और आपको ऐसा प्रॉब्लम दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर आगे मिलते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो जय हिंद, वंदे मातरम।